This video is not made for kids. Hello students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं questions topic को. मोमो खाता हूँ चटनी लगा के. सर मेरा एक सवाल है. अरे चिपकली बेटा, जरा रुक जाओ थोड़ी देर. अभी तो question topic शुरू ही करा है, उससे पहले ही तुम्हारे दिमाग में question आने लगे. जब सर questions topic के बारे में पढ़ा रहे थे, चीकू आराम से बैठा बैठा free fire की दुनिया के अंदर खोया हुआ था. चलो बच्चों, questions topic पूरा हुआ. अब कल इसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ. जिसके भी टेस्ट में नंबर कमाए उसको मोमो नहीं खिलाऊंगा, चटनी पिलाऊंगा मोमोज की. अरे यार मोटूलाल, मेरी हेल्प करो ना. मुझे नहीं पता था कि सर कल ही टेस्ट रख देंगे, अब मैं क्या करूँ. अरे चीकू, इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? मन्नू भैया ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है क्वेश्चंस टॉपिक पे. चलो दोनों साथ में देखते हैं, दोनों का ही रिविजन हो जाएगा. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चंस के बारे में, हाँ बिल्कुल. अब ये क्वेश्चंस टॉपिक है, लोगों को बहुत इजी लगता है, सभी बच्चों को बहुत आसान लगता है और इसको प्रिपेयर ही नहीं करते हैं बच्चे. लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की सेंटेंस होती हैं. सेंटेंस आर जनरली ऑफ फोर टाइप्स. एक तो क्वेश्चंस जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, इसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों सेम ही बातें हैं. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन वाले हमारे सेंटेंसेस हो गई. थर्ड वाली होती है कमांड एंड रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस. एंड फोर्थ होती हैं स्टेटमेंट वाली हमारी सेंटेंस. तो ऑलरेडी स्टेटमेंट, कमांड एंड रिक्वेस्ट हम कवर कर चुके हैं. आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस टॉपिक के बारे में, तो आप अगर कमांड एंड रिक्वेस्ट का वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन क्या चीज़ है, सबको ही पता होगा. सर बहुत आसान है ये तो. क्वेश्चन तो एक टाइप की सेंटेंस है जिसके अंदर सवाल पूछा हुआ होता है. बहुत अच्छे, यही है हमारे क्वेश्चंस की डेफिनेशन. अब क्वेश्चंस के अंदर कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं होता, ना ही कोई कमांड होती है और ना ही कोई रिक्वेस्ट होती है. क्वेश्चंस के अंदर सिंपली क्वेश्चन होता है. जनरली जो हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि वॉट इज़ दिस. ये होता है एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करता है जो वर्ब की, एडिशनल वर्ब बोल सकते हो इसे. जैसे कि डू यू लाइक मोमोज, यहाँ पर डू क्या था हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प कर रहा था, और मेन वर्ब क्या था, लाइक, सब्जेक्ट क्या था, यू. नेक्स्ट है आर दे प्लेइंग पबजी, यहाँ पर आर क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, दे, और मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, खेलना. नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर क्या है, विल, सब्जेक्ट क्या है, चीकू, मेन वर्ब क्या है, गो, और टू स्कूल. तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, विल चीकू गो टू स्कूल. नेक्स्ट है डिड ही लीव अर्ली, डिड ही लीव अर्ली, यहाँ पर डिड क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट है ही, मेन वर्ब क्या है, लीव, और लास्ट में अर्ली. अब यहाँ पर ये जो तीनों सेंटेंस है इसके अंदर मैंने एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती करी है. देखते हैं आप में से कितने बच्चे स्पॉट कर पाते हैं. जो जो स्पॉट कर लेगा फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करना. अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी है. जो अभी हमने रूल पढ़ा कि जनरली जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन होता है उसके अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जनरली मतलब ज़्यादातर तो यही होता है. लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं होता. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अंदर हमें देखने को मिलता है ये. तो जैसे यहाँ पर है एम आई राइट, आर दे स्टूडेंट्स, वॉज इट कोल्ड टूडे, वाई वर यू स्माइलिंग. यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मेन वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले लग गया है, इस वजह से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं हुआ. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको देख लो आप, समझ लो. ठीक है, ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस भी आ सकती हैं. तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन जनरली कैसे होता है, और ये हमारी कुछ हमने एक्सेप्शंस भी देख ली. अब यहाँ पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, हैं क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन के टाइप्स हैं. अरे यार ये तो बहुत सिंपल है. जनरली थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट हमें देखने को मिलते हैं येस या नो वाले, जिनका आंसर हम लोग हाँ या ना के जवाब में ही देते हैं. बेटा क्या आपको पढ़ना पसंद है? अजी बिल्कुल नहीं पढ़ना पसंद, मुझे तो गेम खेलना पसंद है. बेटा क्या आप आज ट्यूशन गए थे? नहीं नहीं मम्मी, मैं ट्यूशन नहीं गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा था. अरे पेट में दर्द तो बहाना है, फ्री फायर खेलना था मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड वाले भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
इनकी आंसर हम लोग इन्फॉर्मेशन के अंदर देते हैं, जैसे कि व्हेन विल यू गो टू मार्केट, मार्केट कब जाओगे आप, तो यहाँ पर एट 3 PM, ये था हमारा आंसर। हु इज़ प्लेइंग आउटसाइड, बाहर कौन खेल रहा है, चीकू, चीकू खेल रहा है बाहर, चीकू इज प्लेइंग आउटसाइड, ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है वो होता है चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि सवाल के अंदर ही जवाब होता है। हैं सर ये क्या बात हुई, सवाल के अंदर ही जवाब, बिल्कुल। एग्जाम्पल से देखते हैं, डिड यू स्कोर 38 और 39 मार्क्स, बेटा क्या आपने 38 मार्क्स स्कोर करे थे या 39 मार्क्स स्कोर करे थे, आई स्कोर 39 मार्क्स, तो सवाल के अंदर ही हमारा जवाब छुपा हुआ था। इज योर फोन एप्पल और एंड्रॉयड, क्या आपका फ़ोन एप्पल का है या फिर एंड्रॉयड का है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो किसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों के पास एप्पल का फ़ोन है या फिर कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड का फ़ोन है। तो यहाँ पर आपको चॉइस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही, और आपको सिंपली चूज करके आंसर करना है, या तो आपका फ़ोन एप्पल का होगा या फिर एंड्रॉयड का, अगर किसी और वेरियंट का भी है तो बताना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। यहीं पर जो हमारा टॉपिक्स है क्वेश्चंस वाला वो ख़त्म होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए, तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो, बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।